नमस्कार भाई, मैं मनोज यादव आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं सऊदी अरब में हूँ और दमाम शहर में। मैं यहाँ पे फैमिली ड्राइवर की जॉब करता हूँ। मुझे यहाँ आके 2 साल हो गए भाई। मैं आप लोगों के साथ में कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ ताकि उन लोगों को आसानी हो जिन्हें कोई चीज़ मालूम नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, और एक सही जानकारी हो जाए जिससे कि किसी तरह की कोई समस्या या परेशानी उनके लिए ना खड़ी हो। तो मैं जो कुछ मेरे साथ बीता इन 2 सालों में, मेरे घर से लेके यहाँ सऊदी आने तक, वो सारी बातें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और उन लोगों को बड़ी आसानी होगी जो लोग पहली बार आ रहे हैं। मैं 7 जुलाई को घर से चला था, 7 जुलाई 2017 को, 7 जुलाई 2017 को घर से चला था। मैं 2 दिन बाद मुंबई आया, मुंबई से मेरी फ्लाइट थी। मुंबई आके वहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट था, हमें ज़्यादा गाड़ी चलानी नहीं आती थी। और वो ड्राइविंग टेस्ट में हम 5 बार फेल हुए, 4 से 5 बार फेल हुए। 4-5 बार फेल होने के बाद तब हमारा जो है, हम ड्राइविंग टेस्ट पास हुए। भाई खल्ला में था ड्राइविंग टेस्ट, ड्राइविंग स्कूल था, वहीं से हमारा जो है सर्टिफिकेट बना। वहाँ से फिर हम सऊदी आए। जब हम ट्रेन से आ रहे थे घर से मुंबई के लिए, तो हमें ट्रेन में एक लोग मिले, एक चाचा जी मिले जो 8 साल सऊदी रह के गए थे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति का एक अलग अनुभव होता है। वो जैसी परिस्थिति में जहाँ रहा है उसका उसी हिसाब से अनुभव होगा हर व्यक्ति का। वो जहाँ जिस माहौल में रहा है उसका अनुभव वैसा ही होगा। तो मैंने इत्तेफाक से अपने मोबाइल का चार्जर, मेरा जो है नहीं काम कर रहा था, उनसे मांग लिया। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो बेटा, तो हमने कहा कि हम तो सऊदी अरब जा रहे हैं और ये गाड़ी चलाने में जा रहे हैं। तो वो भी 8 साल रह के गए थे। तो उन्होंने जो बातें हमें कही वो शायद हम वीडियो पे नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो सोच के कहा था, जो मतलब उनके दिल में ख्याल था कि नहीं तुम ऐसा मत करो, गलत हो। देखिए, हर किसी के जीवन में एक जैसी घटनाएं नहीं होती हैं। एक साथ रहने से फिर भी जो है हर व्यक्ति का एक अलग अलग सिस्टम होता है। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति परेशान हो तो दूसरा वो भी परेशान हो, ऐसा कोई ताल्लुकात नहीं रखता है एक दूसरे इंसान के साथ में। उन्होंने करीब आधा घंटा हमसे बात की और इन आधा घंटा में उन्होंने लास्ट में हमसे ये कहा, ठीक है, सारे आदमी ऐसे नहीं होते हैं लेकिन परेशानी बहुत होती है। उन्होंने हमसे ये तक कहा कि तुम अपने पैसे वापस कर लो और कहीं मत जाओ, यहीं पे रहो, यहीं पे करो। देखिए, जब परेशानी हद से ज़्यादा हो जाती है, चाहे जहाँ हो, परेशानी हर जगह होती है, चाहे आप इंडिया में हैं या विदेश में हैं, सऊदी में हैं या और किसी विदेश में, चाहे जहाँ भी जाओ, परेशानी होनी तय है लिखित में। किसी भी ऐसे इंसान को परेशानी का रूप अलग होगा लेकिन परेशानी होगी ज़रूर। तो खैर, उन्होंने हमसे आधा घंटे करीब बात की। आधा घंटा में फिर बाद में उन्होंने हमसे थोड़ी सी देर, मतलब 30 मिनट में, ये मान लिया कि 1 मिनट उन्होंने ये कहा कि सारे आदमी ऐसे नहीं होते हैं, खैर जाइए आप, ऊपर वाले का नाम लीजिए, ठीक होगा। अगर हम अपने अंदर, अपने दिल में स्वयं से पूछें, स्वयं से बात करें, अगर हम मजबूत हैं, हमारे अंदर हिम्मत है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं है तो हमें हर कदम पे एक नया इंसान मिलेगा, उसका अलग का अनुभव होगा, वो अलग अपना अनुभव बताएगा। अब ये बात होती है कि हम कितने मजबूत हैं। हम मजबूत हैं तो ठीक है, हम मजबूत नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने जिस दिन से सऊदी के लिए वीज़ा लगाया, हर आदमी ने हमको इनकार किया, हर आदमी ने हमको दो बात भी सुनाई कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, कभी ना कभी जीवन में आपको लड़ना ही पड़ेगा अपने जीवन के साथ में, कभी ना कभी लड़ना ही पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए। जरूरी नहीं है तो छोटी मोटी नौकरी है, लेकिन कैसी भी नौकरी हो, जब जरूरत होती है इंसान को, तो वो छोटी मोटी नौकरी ही बहुत, जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई, एक बार जीवन में अपने आप को, सिर्फ अपने आप को, अपनी बात पे, अपने आप पे भरोसा करो, सिर्फ एक बार। आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी, चाहे जैसे मिले। हमें आके यहाँ 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में मुझे आज तक कोई समस्या नहीं हुई।
ऐसी कोई समस्या नहीं हुई कि जिससे हम सामना न कर पाए, या वो हमें इतनी भयावक लगी हो कि नहीं भाई हम आके यहाँ फंस गए। हर आदमी को जब वहां से चलते, जब हम वहां से आते हैं, तो हम ये सोचते हैं हमको एक अच्छा आदमी मिले, अच्छी फैमिली मिले। वैसे यहाँ का भी आदमी सोचता है कि हमारे फैमिली में जो आए वो एक अच्छा आदमी आए, वो नशा ना करता हो, एक अच्छा आदमी हो। बस इस चीज को ध्यान में रखना है कि अच्छा दोनों लोगों को चाहिए, हमको भी चाहिए, इनको भी अच्छा चाहिए। अब इसमें अच्छा कौन होता है ये तो काम करने के बाद ही पता चलेगा। खैर, मैं वहां मुंबई में 5 बार, 4 या 5 बार टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट फेल हुआ हूँ। जब हमारे अंदर स्वयं में ये इच्छा होती है कि हमको जाना है, हमको करना है, तो प्रकृति आपको वैसे लोगों से भी मिलवाएगी। जब मैं वहां बार बार टेस्ट फेल हो रहा था, तो उसी में, उसी ड्राइविंग स्कूल में एक लोग और थे जो करीब 10-12 साल रह के गए थे, फिनिश गए थे, वो भी सऊदी अरब रह के गए थे। उन्होंने फिर हमको सारी बातें बताई, सब कुछ बताया। उन्होंने भी ये कहा कि देखो मुश्किल है, लेकिन अगर तुम सही हो तो उतनी मुश्किलें नहीं आएंगी। परेशानियां तो होंगी, लेकिन तुम अगर सही हो, तुम ठीक से काम करोगे, सब कुछ है थोड़ा, और तो परेशानियां उतनी नहीं आएंगी। खैर, उनका कहना जो था सही था, दोनों लोगों का कहना सही था। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कितने मजबूत हो अपने अंदर से। जब तक अपने अंदर से नहीं मजबूत हो, कुछ नहीं होने वाला है। मेरा वहां काम करीब, मैं 15 दिन रुका, मैं 15 दिन में टेस्ट पास किया। लेकिन जो भी था, मैं लगा रहा लगा रहा। और इन 15 दिनों में मैं घर से मुंबई अकेला था, मैंने किसी का साथ नहीं किया, किसी को साथ में रखा नहीं, किसी से पूछा नहीं। जो कुछ मैंने अपने दिल में लिया था कि मुझे करना है, बस करना है, चाहे जैसे एक बार गिरो, 2 बार गिरो, 4 बार गिरो, गिरोगे तो कोई देख रहा होगा, वो उठाएगा, नहीं कोई उठाएगा तो आपको खुद उठना आ जाएगा। मैं वहां से, मेरा निकल गया, हो गया, पास हो गया मैं। खैर, उन्होंने बताया, जैसे जैसे हमको सिचुएशन, जो ट्रिक बताई कि इस तरह से ऐसे ऐसे करना है, मैं वैसे ही करता गया। उन्होंने, मैं पास हो गया, निकल गया। निकल जाने के बाद मैं आ गया यहाँ सऊदी। सऊदी में आने के बाद जो हमें जितनी ज्यादा डर, जितनी ज्यादा परेशानी थी, सिर्फ इंडिया में थी। वहां से मैं यहाँ जैसे आया, अगर मैं वहां पे रुक जाता तो मैं यहाँ नहीं आ पाता। उन सब की बातों में आके अपने आप को रोक लेता कि नहीं, ये लोग, इनका 8 साल का अनुभव है, इनका 10 साल का अनुभव है, ये लोग हमें रोक रहे हैं, रुक जाओ। परेशानी जीवन में आएगी, आप कहीं भी काम करें, यहाँ काम करें या वहां काम करें, परेशानी पीछा नहीं छोड़ेगी। फर्क ये है कि आप अपने अंदर से कितना मजबूत हैं। हमने अपने आप को नहीं मालूम था, गाड़ी चलाना भी नहीं मालूम था, यहाँ पे आके हमने सीखा, ये समझ लीजिए, यहीं पे आके। जब मैं गाड़ी चलाता था तो मेरी पीठ पीछे सीट में नहीं लगती थी, मैं हमेशा आगे ऐसे होके बैठता था और इतना डर रहता था। लेकिन कभी भी अपनी कमजोरी को किसी के साथ मत शेयर करो, कितना भी कमजोरी हो उसको शेयर मत करो। यहाँ आने के बाद में करीब 8 दिन का हमको वो समय मिला कि एक जैसे नया आदमी यहाँ आया, और यहाँ के सिचुएशन में कि हमको भाई, मतलब यहाँ के गाड़ी स्टेयरिंग सही नहीं, उल्टी दिशा में है, और नया माहौल है, नया ये है, नए रास्ते हैं, उन्हीं 8 से 10 दिनों में हमको एक मौका मिल गया अपने आप को, मतलब कंटिन्यू करने का। तो उसी के हिसाब से हम चलते गए चलते गए, और अपनी कमजोरी को किसी के साथ में नहीं शेयर किया कि हमको भाई ऐसा नहीं मालूम है, ऐसा नहीं मालूम है, ये डर लगता, वो डर लगता। डर 4 दिन में अपने आप खत्म हो जाता है। स्टेयरिंग दाएं बाएं कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि हम कितना अपने अंदर से मजबूत हैं। हम मजबूत हैं तो सब कुछ है। अच्छा, फिर रही बात आने की, जब मेरे कपिल, मैं यहाँ पे आया, रूम पे आया, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हमारे, मतलब सारी अरेंजमेंट, पूरा अरेंजमेंट करके दिया सब कुछ, हमको कुछ 1 रुपए का बाहर से खरीदना नहीं पड़ा, सब कुछ अरेंजमेंट करके दिया। उन्होंने ये कहा कि कहीं बाहर मत जाना, किसी के साथ में बाहर घूमना नहीं, सारे लोग अच्छे नहीं हैं। खैर, उनका भी कहना सही था। उन्होंने सारा अरेंजमेंट करके दिया, सारा अरेंजमेंट, मतलब कुछ भी नहीं, हमें बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। बर्तन है, गैस है, टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ पूरा फुल एंड फाइनल है।
हमने 1 रुपए का कोई सामान नहीं खरीदा, आज 2 साल हो गए, अभी भी कुछ हमने खरीदा नहीं है, बस वही अपना राशन लेके आते हैं, खाना बनाते हैं, बस बाकी कुछ नहीं खरीदा, सब कुछ उन्होंने दिया है। तो जब सामने से अगला हमें सारी व्यवस्थाएं दे रहा है तो हम क्यों जबरदस्ती जाके कहीं इधर बैठे कहीं उधर बैठे, अपना काम क्यों बिगाड़े? देखो, जब काम सही होता है, जब सैलरी मिलने लगती है, जब पैसा जेब में आने लगता है ना, तो लोग अपने वो दिन भूल जाते हैं जो मुसीबत भरे होते हैं। हम नहीं भूले, हमें 2 साल हो गया, आज भी हम अपने ही कमरे में रहते हैं और हमारे अगल बगल सारे लोग, कई लोग हैं बगल में हैं, वो पाकिस्तान के हैं, सामने बांग्लादेश के हैं और इधर हैं श्रीलंका के हैं, लेकिन हम किसी के साथ में, मतलब हमारे दिल में ये दुर्व्यवहार नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन हमारे दिल में ये है कि हम अगर अपना काम अपनी जिम्मेदारी से करेंगे तो हमें सारी जिंदगी यहाँ नहीं रहना है, 2 साल रहना है। 2 साल में हमें अनुभव होगा, हमारा लाइसेंस है, हमें कहीं दूसरी जगह चांस मिलेगा, बेहतर चांस मिलेगा, हम वहाँ जाएंगे काम करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम शीशा लेदर कर देंगे तो वो हमारा ही सिर्फ नुकसान है और किसी का नहीं। इन 2 सालों में मैं किसी के पास नहीं गया, मैं सिर्फ अपने कमरा, अपना काम, और नहीं काम है तो आराम। सुबह 6 बजे बच्चों को छोड़ के आते हैं स्कूल, उसके बाद 6 बजे से 12 बजे तक फ्री हैं, अपना जो है रूम में खाना बनाया खाया जो किया, उसके बाद 12 बजे फिर गए, 2-2.5 बजे तक फिर लेके आ जाते हैं, शाम को कहीं जाना होता है तो चले गए, बस हो गई ड्यूटी। जब आए थे तो हमको एक मोबाइल दिया था, ये था मोबाइल, जो कि हम ही से गिर के टूट गया था। उसके बाद बीच में 1 हफ्ते हमारे पास मोबाइल नहीं रहा, फिर हमने उनसे कहा तो उन्होंने हमें ये दूसरा मोबाइल दिया, उन्होंने दिया जिसके कोई पैसे नहीं लिए और जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार, सिर्फ एक बार अपने ऊपर भरोसा करो, आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, दोनों चीजें आपको अपने ऊपर भरोसा करने से मिलेंगी, दो चीजें, एक फायदा दूसरा नुकसान। जो नुकसान मिलेगा उससे आपको अपने ऊपर भरोसा करना आ जाएगा, और जो फायदा मिलेगा तो वो आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देगा कि नहीं, हमने अपने अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर भरोसा किया, हमारा ये काम हुआ है। ठीक है भाई, और सब ठीक है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, और भाई हमारा वीडियो देख के कोई विदेश मत आना, अगर आपके अंदर स्वयं मजबूती है तो ही आना, क्योंकि किसी को देख के आने से कोई मतलब नहीं होता है, खुद की मजबूती से सब कुछ होता है। नमस्कार।